वेलकम टू माय चैनल हर्षित इंडस्ट्रीज। दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं एक कमर्शियल साइट पर और मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए हाइड्रोलिक प्रेस है और ये पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी। ये देखिए आप देख सकते हैं यहां पे हमने एक लोहे का पार्ट लगा के और ये देखिए नीचे भी हमने एक पार्ट लगाया है और ये हमने इसके जो लोहे के पार्ट लगा के इसको वेल्डिंग किया है। दरअसल इसके अंदर प्रेशर इतना ज़बरदस्त होता है, इसके अंदर देखिए टाइयाँ लगी हुई हैं। इन टाइयों को जब एक दूसरे से मिलाया जाता है प्रेशर जनरेट होता है और प्रेशर जनरेट होने के बाद इस मशीन के यहाँ पे प्रेशर पड़ने से ये क्रैक हो गया था और क्रैक होने के बाद मशीन फेल डाउन हो गई थी और हमने इसको वेल्डिंग कर इसको प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर दिया है। और वर्किंग होने पर अभी इसमें कुछ निकला है, माल वगैरह निकाला है, चल रहे हैं और ये हम सबसे जानेंगे इसका फीडबैक। टोटल वेल्डिंग करने के बाद क्या इसके अंदर क्या प्रोसेस मिला है, थोड़ा बहुत वर्किंग के लायक हुआ ही। देखा आपने ये मशीन जो है ये हाइड्रोलिक प्रेस है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर ये फट गई है, कहीं से क्रैक हो गई है तो ये कबाड़ में जाती है, पर हमने इसको वेल्डिंग करके दोबारा से काम करने के लायक बनाया है और ये अभी काम कर रही है, प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस जो होता है मैकेनिकल और टेक्निकल, वो आपकी फिटिंग पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसके अंदर डाई को फिट करते हैं। अगर आप इसके अंदर सही तरीके से डाई की फिटिंग कर देते हैं तो ये मशीन प्रॉपर तरीके से काम करती है जैसा कि अभी कर रही है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं पीछे ओवन लगे हुए हैं, ये देखिए ये कमर्शियल ओवन है और ये पूरा का पूरा जो सेटअप है ये सोल बनाने का है, जो कि जूते चप्पलों के सोल बनते हैं। ये पूरा का पूरा सेटअप देखिए सोल बनाने का है। एक ये डाई पीछे भी लगी हुई है, ये भी वर्किंग है। तो दोस्तों अगर किसी भी तरीके का मैकेनिकल और टेक्निकल काम आप करवाना चाहते हैं, मशीनरी का या कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप हर्षित इंडस्ट्रीज से जुड़े, हमें एक मौका दें और आप अपने मशीन को प्रॉपर तरीके से ठीक करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।